वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर WWE का क्राउन ज्वेल पेपर व्यू शुरू होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर पांच ऐसे रेसलर्स की बात करेंगे जो WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर डेब्यू या रिटर्न कर सकते गए। वेल पहला नाम जो क्राउन ज्वेल के ऊपर डेब्यू कर सकता है वो यहाँ पर कमा तोंगा के यंगर ब्रदर हिको लियो होंगे। गाइस, यहाँ पर WWE ने हिको लियो को 6 महीने से साइन करके रखा है और WWE परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रही है जब वो हिको लियो का WWE पर डेब्यू कराए। और हो सकता है क्राउन ज्वेल के ऊपर हिको लियो उनका डेब्यू करे। बट गाइस, हिको लियो के बाद डेफिनेटली यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर उमागा के बेटे जिला फातू वो अगला नाम है जिसके WWE पर डेब्यू करने के अच्छे खासे चांसेस है। और शायद यहां पर जिला फातू ब्लड लाइन को ज्वाइन करे। बट गाइस, जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस जो पहला नाम आज सऊदी अरबिया में रिटर्न कर सकता है वो यहां पर हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग होंगे। गाइस, यहां पर WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर आज यहां पर कोडी रोड्स और गुंथर के टाइटल मैच के अंदर गोल्डबर्ग के इंटरफियर करने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है। बट गोल्डबर्ग के अलावा डेफिनेटली यहां पर बीस्ट ब्रॉक लेसनर भी एक बड़ा नाम है जो WWE के क्राउन ज्वेल पर शॉकिंग रिटर्न कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर को लेकर काफी सारे रेफरेंस दिए गए और हो सकता है ब्रॉक यहां पर क्राउन ज्वेल पर रिटर्न करे। बट गाइस, जो फाइनल नाम पॉसिबली रिटर्न कर सकता है वो यहां पर बैकी लिंच होंगी। गाइस, यहां पर बैकी लिंच के भी WWE पर रिटर्न के तगड़े रूमर है और शायद यहां पर आज शो के ऊपर वो उनका रिटर्न करे।